क्यों ना अधिकारी, क्यों ना अधिकारी में भी अच्छा अधिकारी मैच बनने का कंडक्ट प्यार, करवाया था उस कप टाइम ऑफ टी, इट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ योर हार्ड वर्क एंड रीजन को डिटर्मिनेशन। कैसे हम लोग इजली देख क्रैक कर सकते। उसने क्लास एग्जैक्टली में एक तो एग्जाम निकल जाए, लेकिन वहां पर कमी क्या होती, कंसिस्टेंसी। आई मिलते हैं श्वेता मांझी से, वर्तमान में ये हाई कोर्ट में एएसओ के पद पर कार्यरत हैं। इनका सिलेक्शन पहले एसएससी सीएचएसएल में भी हुआ था, एसएससी सीजीएल में भी हुआ था, सीजीएल भी ज्वाइन किया इन्होंने, सीएचएसएल भी ज्वाइन किया 2020 में, सीजीएल भी ज्वाइन किया इन्होंने 2022-23 में, और अभी 2024 में इन्होंने हाई कोर्ट एएसओ ज्वाइन किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं श्वेता को, आगे खूब बढ़ती रही, काफी मेहनती रही थी ये। हार्ड वर्क का दूसरा नाम अगर हो सकता है तो शायद श्वेता हो सकती है, और अपने एम को लेकर बहुत डिटरमिन्ड थी कि मुझे अच्छा करना है, मुझे जॉब लेना है और अच्छा जॉब लेना है। और खैर बाकी चीजें श्वेता से जानेंगी, श्वेता बताएंगी अपना एक्सपीरियंस ट्रम्प कार्ड के साथ कैसा रहा, ट्रम्प कार्ड ने क्या रोल प्ले किया और बाकी आपको क्या करना चाहिए। मेरा नाम श्वेता है और मैंने अब मैं अभी हाई पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट में काम कर रही हूँ। तो मेरी ज्वाइनिंग इस पोस्ट पे लास्ट ईयर सॉरी इस ईयर अप्रैल 2024 में ही हुई। इससे पहले मैंने सबसे पहला जो मेरा गवर्नमेंट जॉब रहा है वो सीएचएसएल में 2020 में मैंने ज्वाइन किया था इंडिया पोस्ट में, जहाँ मेरी पोस्टिंग केरल में हुई थी। और उसके बाद 2022 में एसएससी सीजीएल के थ्रू मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन किया था, और उसके बाद ये मैंने थर्ड जॉब ज्वाइन किया है उसके बाद। तो अगर मुझे लगता है कि मेरी ये जो जर्नी रही है लाइक 4 इयर्स की जो मेरी जर्नी रही है, उसमें जो सर का जो रोल है, उनके गाइडेंस का रोल है, उन्होंने जो मेंटोरशिप दी है मुझे, उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया है। स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग मुझे आइडिया नहीं था ज़्यादा, तो मैं सर के पास आई इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के क्लासेस के लिए, और ऑब्वियसली इंग्लिश में उन्होंने काफ़ी अच्छा उन्होंने गाइडेंस तो दिया ही, बट इसके साथ साथ प्रेपरेशन कैसी होनी चाहिए, उसके साथ साथ जैसे उन्होंने सुपर 30 बैच कंडक्ट करवाया था उस टाइम में, उसने काफ़ी हेल्प किया। कंपटीशन को कैसे हम लोग ईजली देख क्रैक कर सकते हैं एग्जैक्टली, तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया, और उसके बाद मेरी प्रेपरेशन काफ़ी बढ़िया हो गई। और उसके बाद हालांकि वो मैंने कुछ टाइम का कोर्स वो मेरा रहा, उसके बाद मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया 2020 में, मैंने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उनका जो गाइडेंस रहा वो अभी तक मेरा हेल्प करता आया है। और थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, एंड बस इतना ही। खैर एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, अगेन कह रहा हूँ, मैं बार बार अपने क्लासेस में भी, वीडियोस में भी कहता रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में भी कहता रहा हूँ कि अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी, एक ना एक दिन मिलेगी। और अगर देखिए एग्जाम का एक लेवल होता है, एग्जाम का एक लेवल है, जिस दिन आप इस लेवल पे आ जाएंगे तो आपके सारे एग्जाम्स निकलेंगे। मैं कई सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने एक एग्जाम ही नहीं निकाला, 4-5-6 एग्जाम निकाला है एक साथ, या अभी भी एग्जाम्स निकाल रहे हैं। तो एग्जाम का एक लेवल है, जिस दिन आप एग्जाम के लेवल पर पहुंच जाएंगे, एग्जाम के लेवल से वन स्टेप आगे निकल जाएंगे, उस दिन ये होगा कि आप एक नहीं कई सारे एग्जाम्स निकालेंगे। कई बार मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो होता है ऐसे होते हैं कि एक एग्जाम निकालने के लिए सोचते हैं काश मेरे एक एग्जाम निकल जाए, लेकिन वहां पर कमी क्या होती, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क की कमी, दूसरी बात है कि डेडिकेशन नहीं होता आपको अपने एम के लिए। अगर आपको अपने एम के डेडिकेशन है तो सफलता जरूर मिलेगी। ट्रम्प कार्ड ने हमेशा प्रयास किया है और आगे भी करता रहेगा प्रयास कि स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेशन दिखाए और स्टूडेंट्स को तैयार करे मेहनत करने के लिए। और अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप या नहीं हैं ये मत सोचिए, आप अपने एम को लेकर के अपने आप को तैयार कीजिए। अगर आप आपका एम बहुत स्ट्रांग है, बहुत आपको पता है कि मुझे करना क्या है, बहुत डिटरमिन्ड है आपको करना क्या है लाइफ में, आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, अपना अपना फ्यूचर आपको ब्राइट करना है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपकी तैयारी अभी वर्तमान में कैसी भी हो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हार्ड वर्क करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाएगी आपको। और इंग्लिश को लेकर खासकर मैंने तो श्वेता को स्पेशली इंग्लिश ही पढ़ाया है, बाकी कुछ और नहीं पढ़ाया है, मैं सारे क्रेडिट लेना नहीं चाहूँगा,
मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और ट्रम्प कार्ड हमारी संस्थान है और सिर्फ इंग्लिश के लिए है ये। तो इंग्लिश का एक रोल है, अगर आप एसएससी निकालना चाहते हैं, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम या हाई कोर्ट एएसओ हो या बैंकिंग हो, तो उसके लिए मैं हूँ। लेकिन सिर्फ मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं हो सकता, दूसरे भी सब्जेक्ट्स जरूरी हैं आपके लिए, उन पर भी ध्यान दीजिए। श्वेता ने भी ऐसा ही किया। खैर बाकी चीज़ श्वेता से भी जानेंगी। श्वेता, मैं जानना ही चाहूँगा अपने जूनियर्स को या दूसरे स्टूडेंट्स को जिनको सफलता नहीं मिल पा रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, सर मुझे लगता है कि अभी एक टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप एक जगह प्रिपरेशन कर रहे होते हो, आपने कोर्स परचेज किया, आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो उस टाइम में, लेकिन उस टाइम इतने कन्फ्यूजन्स डेवलप होते हैं आपके माइंड में कि अरे मैंने ये कोर्स परचेज कर लिया है, फिर किसी फ्रेंड ने और डिस्कस किया कि अच्छा ये कोर्स ज़्यादा बढ़िया है, ये कर लो, आप इंटरव्यूज़ देखते हो आजकल ऑनलाइन में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो उस टाइम में कि मैं क्या करूं, मैं सही तो कर रहा हूं या नहीं, कर रही हूं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो भी कोर्स परचेज किया है, जिस भी टीचर के साथ आप जुड़े हुए हो, जिनसे पढ़ रहे हो, आप उन पे पूरा फेथ होना बहुत ज़रूरी है, आप उनको पूरा ट्रस्ट करो, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करो, और जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करो, जो सर जो भी टीचर आपको सजेस्ट कर रहे हैं या बता रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो उनसे क्लियर करो, ये नहीं कि आप अगर आपको जैसे कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है प्रेपरेशन के टाइम में, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, स्टडी मटेरियल कौन सा पढ़ें, क्या नहीं करें, तो आप डायरेक्टली अपने टीचर से कांटेक्ट करें, उनसे बात कीजिए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। सर भी बिल्कुल वैसे ही हैं, वो पर्सनल लेवल पे अपने स्टूडेंट को पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा अगर कुछ है तो मेहनत एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, आप मेहनत से भाग नहीं सकते हो, मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप मतलब अगर किसी का इंटरव्यू आप देख रहे हो, अगर वो बोलता है कि अच्छा मैंने 2 घंटे पढ़ाई कर ली और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो फिर आप उस पे सोचोगे अच्छा मैं भी ऐसे ही कर लूँगा, आप इंजॉय टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर इससे क्या होता है कि आप डेविएट हो रहे हो अपने एम से। तो मुझे लगता है कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, आप उसके साथ साथ ऑब्वियसली इंजॉयमेंट भी ज़रूरी मैटर करता है, क्योंकि आप 2400 घंटे आप कमरे में बंद होकर पढ़ नहीं सकते हो, तो सबको बैलेंस रखना और अपने जो एम आपने डिसाइड किया हुआ है उसको लेके क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, पूरा फेथ रखकर बैंकिंग पर ध्यान दीजिए, उसके प्रिपरेशन पर, उसको समझिए, सिलेबस समझिए और उसको अच्छे से क्रैक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सीजीएल के हैं तो फिर उससे रिलेटेड आप कीजिए। अगर आप कंफ्यूज स्विच करेंगे कि अभी बैंकिंग का पेपर है तो मैं ये दे देता हूँ, मैं सीजीएल भी दे देता हूँ, या अगर ऐसे कुछ आता है तो फिर आप फिर वो लूप में फंस जाते हो। तो एक चीज़ है कि हाँ, जैसे अगर आप ऐसे सीजीएल में हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारे, जैसे रेलवे का पेपर है तो थोड़ा कॉमन हो जाता है कि आपको जीएस कॉमन हो जाता है, तो मे बी आप उसके तरफ स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आप टोटली डिफरेंट जोन में जाना चाहते हो तो फिर आपको वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो आप एक जगह फोकस्ड रहिए, जो भी डाउट हो अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, मेहनत कीजिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, बस मेरे ख्याल से सर यही ज़रूरी है। और बस एक और चीज़ जानना चाहेंगे श्वेता से कि ट्रम्प कार्ड स्पेशली पढ़ाई को लेकर कैसा रहा? ट्रम्प कार्ड के कंटेंट को लेकर, कंटेंट एंड क्वालिटी को लेकर कैसा रहा? मैं कुछ भी बोलूं तो शायद लोग कहेंगे कि अपनी पढ़ाई खुद से कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प कार्ड की कंटेंट और क्वालिटी ने क्या रोल प्ले किया, ये श्वेता से जानी। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जानने की ज़रूरत है ये चीज़ें। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो मुझे नहीं लगता कि बताना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे मुझसे पढ़ रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी भी कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है श्वेता बताएंगी अच्छा कि ट्रम्प कार्ड कहाँ तक हेल्पफुल रहा और क्या बेस्ट चीजें क्या रही ट्रम्प कार्ड की। जी सर, सर जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम में, तो आपने एक सुपर 30 बैच स्टार्ट करवाया था, उसके साथ साथ जो भी कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे थे, चाहे वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब, वो सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली फंसते थे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से आप, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी रेलेवेंट रहा है एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। और उसके बाद अभी भी, इवन जब मेरा सर हाई कोर्ट का मेन का एग्ज़ाम था, उस टाइम में मुझे उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर आपको क्रैक करने होते हैं, तो उस टाइम मैंने एसे के लिए आपसे कुछ सजेशंस मांगे थे, आपने वो भी मुझे प्रोवाइड किया हुआ था, मैंने उसको भी थोड़ा पढ़ा, उसके कुछ पॉइंट्स वगैरह डेफिनेटली मेरे एसे राइटिंग में उसने मुझे हेल्प करी। और
तो मुझे लगता है कि आपके सर जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो बहुत रेलेवेंट रहते हैं, और एग्जाम के बेस पर आपको सारा मुझे लगता है कि डिज़ाइन रहता है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट के लिए। ज़्यादा उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि बहुत ज़रूरी है प्रेपरेशन के टाइम में आप क्या पढ़ने से ज़्यादा क्या आपको नहीं पढ़ना क्या चाहिए। पढ़ रहे हो, क्या एग्जैक्टली एग्जाम में आ रहा है, हाँ, तो क्या आप नहीं पढ़ना, ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए पढ़ना क्या सर, है। एग्जैक्टली सर, तो उसके लिए एक सही गाइडेंस होना, एक सही आपको प्रॉपर वो सब डिज़ाइन किया हुआ सिलेबस, मतलब आपको सारे नोट्स मिले, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, आपका टाइम सेव होता है, आप जल्दी से जल्दी टाइम में एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हो। और ये आप जब जॉब के बाद अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी, अगर आप जल्दी जॉब क्रैक कर लेते हो तो आगे कितना बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस एज में कौन सा जॉब क्रैक कर रहे हो, बट अगर जितनी जल्दी कर लेते हो उतना जल्दी बेनिफिशियल होता है। तो बस ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, श्वेता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे, चूंकि आप एसएससी सीजीएल क्रैक करके छोड़ भी चुकी हैं, हाई कोर्ट के लिए आ चुकी हैं, हाई कोर्ट में बहुत अच्छे पद पर एएसओ के पद पर कार्यरत हैं। चूंकि हाई कोर्ट की वैकेंसीज बार बार नहीं आती है, एनुअली नहीं आती है, और मेनली आप भी एसएससी सीजीएल की स्टूडेंट रह चुकी हैं, ये इनका टारगेट था एसएससी सीजीएल निकालना, एसएससी सीजीएल निकाला भी इन्होंने, तो ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग से सीजीएल की ही प्रेपरेशन करनी आई मीन स्टार्ट की थी, और उस बीच हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आया, पेपर आ गया, उसका फॉर्म आ गया, मैंने वैकेंसी आई मीन फॉर्म आई और मैंने फिल किया, और फाइनली उसमें हो गया सिलेक्शन। जो मेरा प्रेपरेशन जो था वो सीजीएल का था, और पीटी के एग्ज़ाम में तो जो सर मैंने सीजीएल के लिए पढ़ा था उसने ही हेल्प किया। तो मेरा ये मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप सिलेबस को समझिए, सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको समझना कि आपको कहाँ जाना है किस आप ये बहुत ज़रूरी है कि सीजीएल में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो उसको भी आप समझिए। आपको सारे पोस्ट का एक ड्रीम पोस्ट होता है, आप वो एक एम्बिशन रखना कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, क्योंकि जब आप एक सेट करते हो ना, एक एम सेट कर लेते हो कि हाँ मुझे यहाँ तक जाना है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको अचीव ज़रूर कर लेते हो, उसके आसपास तो ज़रूर पहुँच जाते हो या उससे बेटर भी कर लेते हो। तो एक एम सेट कर लीजिए, उसको पैटर्न समझ लीजिए और पूरा मेहनत कीजिए, और स्टार्टिंग में जितनी मेहनत हो सके स्टार्टिंग में कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप एक जॉब ज्वाइन कर लेते हो कम ग्रेड पे का, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं शायद सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप एक जो आप शायद ने आपने नहीं सोचा हुआ था, बट आपने एक जॉब मिल गया, आपने वो ज्वाइन कर लिया, उसके बाद भी आप प्रेपरेशन कंटिन्यू करते हो, तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ चलो अब मेरा जॉब हो गया है तो ठीक है, एक सिक्योरिटी फील होती है, लेकिन फिर भी प्रेपरेशन के लिए जो टाइम होता है कम हो जाता है, आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं, आपको अब एक फिक्स्ड में जो टाइम होता है उसमें डिसाइड करना होता है कि मुझे इतना ही टाइम है मेरे पास, मुझे इतने में ही प्रेपरेशन करना है, तो बेटर है कि जॉब लगने से पहले सारी प्रिपरेशन कर लीजिए और अच्छे से कर लीजिए। बस यही है, अपनी मेहनत पूरा मेहनत डाल दीजिए और बिल्कुल हो जाएगा सिलेक्शन, अगर आपने सोच लिया है तो बिल्कुल होगा। श्वेता, आपके बैच के कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन भी एसएससी सीजीएल में हुआ है पिछले कई वर्षों में, आप भी जान रहे हैं, तो मैं इनके तरफ से और मैं अपने जो अपना एक्सपीरियंस है मेरा, मैं जो 9-10 साल या 11 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, उसके बेस पर मैं कह रहा हूँ आपको कि इन्होंने कहा आपको कि अगर एसएससी सीजीएल निकालना है तो पहले आप ये ड्रीम कीजिए कि आपको कौन सा पोस्ट अचीव करना है। अगर आपको पता है कि मुझे लेवल 7 लेवल 8 में जाना है, ये पोस्ट एएसओ या जेएस जो भी पोस्ट अचीव करना है, चाहे वो एक्साइज हो या कुछ भी हो, आपको जो भी पोस्ट अचीव करना है उसके लिए पहले ड्रीम कीजिए। अगर आपका ड्रीम बड़ा होगा तो आपकी जो मेहनत है, अगर आप ऑनेस्टी से कर रहे हैं, वो खुद बड़ी हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं वास्तविकता में कि मुझे ऐसा एम अपने एम को प्राप्त करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है और अच्छा लेना, कि जॉब बहुत मैटर नहीं करता, आप जॉब कैसा ले रहे हैं वो मैटर करता है। क्योंकि कई बार कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी पोस्ट की पर्टिकुलरली, कई बार कैसे स्टूडेंट कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कोई भी जॉब मिल जाए ठीक है, हाँ मुझे जॉब हो गया, लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आपके पास नॉलेज है, आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत किया है, तो
तो क्यों ना अधिकारी में भी अच्छा अधिकारी बनने का प्रयास करें। अगर आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं, सब लोग यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आप मेहनती हैं तो एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं और बहुत अच्छे अधिकारी बन सकते हैं और आधिकारिक पोस्ट पर आ सकते हैं। और इसके लिए बहुत कुछ करना नहीं है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, ये अच्छा कर लीजिए तो कर सकते हैं, ये आपकी बस की बात है। इट्स बहुत लोग कहते हैं कि इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, बट एसएससी सीजीएल कैन बी योर कप ऑफ टी, इट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, इफ यू हैव प्लान टू डू समथिंग ए स्पेशल, इफ यू हैव नॉट ट्राइड एनीथिंग स्पेशल देन यू कांट डू। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए, श्वेता ही नहीं कई सारे स्टूडेंट ने मेहनत किया है, सफलता पाया है, आप भी सफलता पाएंगे। ट्रम्प कार्ड इसके लिए आपके साथ है और आपके साथ बना रहेगा। ट्रम्प कार्ड हमेशा कंटेंट और क्वालिटी को लेकर एक्टिव रही है, समय समय पर कंटेंट चेंज करती रही है, अभी आने वाले समय में और चेंज करेगी। और अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रम्प कार्ड उपलब्ध है, अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है ये। मोस्ट ऑफ टाइम मैं अब प्रयास कर रहा हूँ ऑनलाइन आने का और ऑनलाइन आ भी रहा हूँ, आप मुझसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर भी, ट्रम्प कार्ड 24 ऐप्स पर जुड़ सकते हैं मेरे से, ऑनलाइन बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ड्रीम आपका एसएससी है, एसएससी सीजीएल है या बैंकिंग है तो ट्रम्प कार्ड जरूर ज्वाइन कीजिए। मुझे उम्मीद है जैसे श्वेता आज यहाँ बैठी है, आप में से भी कुछ लोग होंगे जो यहाँ आएंगे, बैठेंगे और अपने बारे में बताएंगे, और जैसे ये दूसरों को इंस्पायर कर पा रही हैं आप भी इंस्पायर कर पाएंगे। खैर श्वेता, लास्टली क्या इंस्पिरेशनल मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या करना चाहिए? सर, मेरा यही मैसेज है कि आप पूरी मेहनत, आपका मेहनत ही आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो पूरी मेहनत कीजिए, अपने आप पर फेथ रखिए। बहुत सारे टाइम ऐसे आएंगे जब आप फ्रस्ट्रेट हो गए, इवन जॉब के बाद भी अभी होता है कि अभी भी हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं। तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन टाइम एक ऐसा फेज होता है जब आप बहुत फ्रस्ट्रेशन, ये 5 दिन आप अच्छे से पढ़ोगे, 6th डे ऐसा होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, स्ट्रेस्ड हो जाओगे, बहुत तरह का पर्सनल इशूज़ आते हैं, तो आपको उससे डील करना। प्रिपरेशन क्या है ना कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना नहीं सिखाता, उसके बाद जो आपकी जर्नी रहती है उसको भी, आपको कैसे डील करना है चीज़ों को, आपका एक पर्सनल ग्रोथ भी होता है। तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आप ज़रूर होंगे, प्रिपरेशन टाइम ही ऐसा है, बट फिर से मेहनत कीजिए, फिर से उसमें लग जाइए, अपना एक टाइम से रूटीन सेट कीजिए कि मुझे इतने घंटे या इतना अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, कि मुझे इतना एक डेली टारगेट सेट कर लो आप कि मुझे ये कंप्लीट करना है, ये पढ़ना है, और पूरी मेहनत को उसको टारगेट को आप अचीव करो, डेली टारगेट सेट करो, छोटे छोटे टारगेट्स, और पूरा डिटर्मिनेशन के साथ अपनी तैयारी कीजिए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बोलूँगी, आप जो भी आपका स्टडी मटेरियल उसको तो आप फॉलो करते हैं, मॉक टेस्ट उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करता है, स्पेशली ग्रुप मॉक टेस्ट हो, लाइव टेस्ट आप दे सकते हो, लाइव टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपका क्या आप कहाँ स्टैंड करो आपको ये पता चलता है, तो आप उसको दीजिए। भले ही आप प्रेपरेशन कर रहे हो उस टाइम में आप शायद कम मार्क्स आएंगे, बट फिर भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो ग्रोथ आपको समझ में आएगी, उसको एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इसके बारे में तो आप सर हैं, सर से डिस्कस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग सर से जुड़े हुए हैं जो जॉब में हैं, तो अगर उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे भी लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो बस, थैंक यू। अब श्वेता को मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है श्वेता के लिए, ये आप लोगों को भी मिलेगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।